गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को, खंबा गणिसा, कैसे हो दोस्तों आप? तो फिलहाल गाइस अभी मैं हूँ वंडर मॉल के अपर ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है पीछे और यहाँ पे मैं आया हूँ कैफ़े कॉफ़ी वर्ल्ड में जो कि इंदरलॉक की ब्रांच है और ये हिडन प्लेस है अलवर में। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, यहाँ बहुत सारे रेगुलर कस्टमर्स आते हैं। तो आज मैं भी आ गया, इनका कमेंट्स आया था। तो आज अपन यहाँ पर जो कॉफ़ी बहुत फेमस है और देसी ग्रिल्ड सैंडविच, ये दो चीज़ें अपन ट्राई करने वाले हैं। और आपको बता दूँ लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन ये जो सामने देख रहे हो ये मेन रोड कंपनी गार्डन के पीछे वाला रोड है जो कि अलवर बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर है ये कैफ़े कॉफ़ी वर्ल्ड। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं। तो ये लिफ्ट से जैसे ही आप अपर ग्राउंड फ्लोर पर आओगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंदरलॉक कॉफ़ी वर्ल्ड कैफ़े। ये इनका कॉफ़ी वर्ल्ड बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है और अभी ये जो सजावट है वो शायद इन्होंने क्रिसमस पे की होगी। अभी ओपन है, अंदर चलते हैं। वहाँ पे मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, शानदार। तो ये फर्स्ट लुक है। मैनेजमेंट काफ़ी बहुत शानदार है यहाँ पर, बहुत ही मतलब मैनेज है, अच्छा। आप यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो मेरे हिसाब से। की काम ए कॉफ़ी ए डे कीप्स द ग्रंपी अवे and have another cup of coffee. Yes. Good. Wow. तो अंदर चलते हैं और मेकिंग देखते हैं। आते हैं ये भैया, क्या नाम है आपका? प्रियंक। प्रियंक, तो क्या खिलाने वाले हो आज? सर देसी ग्रिल सैंडविच। ओके, तो चलिए बनाते हैं हम देसी ग्रिल सैंडविच। श्योर सर। प्रियंक, क्या एज है आपकी? 21 सर। 21 है। ओके, तो यहाँ पे कितना टाइम से जॉब कर रहे हो? मतलब इस फील्ड में, फूड वाली फील्ड में? सर मैं जब यहाँ पे 2 मंथ पहले आया था तो मैं एज ए फ्रेशर था। अच्छा, अभी स्टार्टिंग की आपने? हाँ सर। सारा काम यहीं सीखा है? हाँ सर। क्या बात है। जॉब पढ़ाई कर रहे हो? सर मैं अभी करंटली MSc फाइनल ईयर में हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से। MSc फाइनल ईयर? यस सर। ओके, वेरी गुड। सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरे पास जूलॉजी है। जूलॉजी? यस। कुलो कॉलेज? कॉलेज सर मैं अभी LBS गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। पढ़ाई के साथ ही एक्स्ट्रा टाइम जॉब हो गई है? हाँ सर, कुछ सीखना था लाइफ में। इंटरेस्ट तेरा इसी में? हाँ सर, इस चीज़ में मैं पहले से ही था मेरा, बचपन से ही। अच्छा। कि मैं फूड लाइन में अपना कुछ करूँ, तो शेफ बनने का कुछ था इरादा? हाँ सर। तो गाइस जो अभी बन रहा है इसे बोलते हैं देसी ग्रिल सैंडविच। खीरा काट लिया, ये है ग्रीन कैप्सिकम और इसमें 3 लेयर यूज़ की जाएगी। ओ, ये रेड कैप्सिकम। रेड कैप्सिकम मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। बहुत बारीकी से काट रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, सीरियसली। मतलब जो हाथ की सफाई है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक है यहाँ पर, देख सकते हो। उसके बाद टमाटर को काटेगा भाई अब। उसके बाद ये है येलो कैप्सिकम। क्या किसी ने येलो कैप्सिकम देखी है कभी? नहीं देखी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यस, ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है ग्रीन येलो कैप्सिकम। रेड, चलो रेड भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। ये है लैक्टस, कुछ कुछ पत्ता गोभी जैसा होता है, पर ये पूरी तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जो गिरता है। और आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें ना अलवर सिटी राजस्थान में इसीलिए मिल जाती हैं। ये है ब्रोकली, आप सब जानते होंगे ब्रोकली, जो कि जिस बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को इंक्रीज कर देती है, जिसको भी बारीकी से काटती है, बिल्कुल बारीक से। ये खीरा कट रहा है बारीकी से अब। ये है लास्ट में सबसे पहले प्याज। तो मतलब देसी सब्जियाँ जो हैं सारी यूज़ में की हैं इसमें। तो ये चीज़ तो है कि मतलब वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। मज़ा आ जाएगा आपको देख के भी और जब मैं खाऊंगा जब देखना भाई। तो सारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं बहुत ही। जब ये जानते हो गाइस क्या है? ये है बेसिन, यानी कि तुलसा जो होती है, तुलसी माता, उसका मेल वर्जन। तो ये अलग ही मतलब हेल्थ लेवल जो है आपका, हेल्दी जो। ये है वीबा की तंदूरी सॉस, जो कि वीवा की है। ये है मेयोनेज, जो कि दूसरे ब्रेड पर गिरी जाती है। और ये जो है ये अलग ही सॉस थी, सीक्रेट सॉस वीवा की, जो ये बता नहीं रहे थे भैया, जिसकी वजह से
स्वाद जो इसका बढ़ रहा था। आप फ्रेश बॉईल करते हो? हाँ, इसको भी पीसेस में कट करना मैंने पहली बार देखा, लोग ऐसे ही रख देते हैं नहीं तो। अच्छा, इसको रखने के बाद भी इसके ऊपर और कटिंग कर रहे हैं ताकि खाने में इजी हो जाए। खाने में इजी हो जाए। दैट्स गुड सोच। कवर्ड ग्रिल करेंगे इसको। ओके चलो, ये आपकी ग्रिल मशीन। गाइस हमारी जो सैंडविच है वो ओवन से बाहर आ चुकी है। ये क्या लगाने वाले हैं सर? ये है अमूल बटर। अच्छा, ये अमूल बटर लगा रहे हैं? यस सर। ओके, पलट दिया, पीस इसमें डाल दिया मक्खन लगा के। हाँ ओके, तो निकालने के बाद पीस किया जा रहा है। जनरली 4 पीस है। गाइस हमारी आ चुकी है सैंडविच, देसी सैंडविच, और मैं इसको खाने वाला हूँ। मुँह में बहुत जोर का पानी आ रहा है देख के, मतलब जिस तरीके से बनाया है ना, सीरियसली बहुत शानदार होने वाला है। वाव, मतलब अलग ही लेवल है। इसका प्राइस है 169, जो कि मुझे जेन्युइन लगा, बहुत सही प्राइस है और बहुत सही चीज है, मजा आ गया। वाओ, तो बताता हूँ, ये इतना था कि आपका ना पेट भर जाएगा मस्त। तो मजा आ गया यार खा के, सीरियसली बहुत मजा आ गया। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी बहुत अच्छी मिलती है, लोग कैपेचिनो पीना पसंद करते हैं। तो गाइस ये है कॉफ़ी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये इनकी कॉफ़ी है दिल की शेप में, और ये इनके साथ जो है मिल गया आपको सल्फर फ्री शुगर एंड हेरिटेज नेचुरल ब्राउन शुगर। तो ये अपन भी खेल के इसमें पियेंगे। भाई मैंने शुगर ऐड कर लिया, बढ़िया मस्त है। ऐसे लगा है मतलब आत्मा तृप्त हो गई, सीरियसली बहुत बढ़िया। ब्लॉग को कहते ही हैं, होप सो कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो, भाई की मेहनत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। टिल देन सी यू लेटर गाइस, राम राम से सब।